मेरी फ्रेंड कृतिका रात को छत पर चटाई पर लेटी हुई थी, तभी उसके सामने वो लड़का बैठ जाता है और जैसे ही वो उसे देखती है चीख पड़ती है। हे गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की कहानी जो है ये मेरी फ्रेंड कृतिका की है, जो कि कल रात उसने मुझे सुनाई थी। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, एक्चुअली कल रात मैंने उसे जबरदस्ती फोन करके ये कहानी सुनी थी, क्योंकि मुझे आज वीडियो बनाना था। तो फिर तैयार हो जाओ कृतिका, तुम भी तैयार हो जाओ अपनी कहानी सुनने के लिए। तो अभी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि भूतिया कहानी है। तो ओके, ये कहानी मेरी फ्रेंड कृतिका की है, जो कि 2018 में उसके साथ घटित हुआ था। एक्चुअली मेरी फ्रेंड गांव से निकलकर शहर मतलब लखनऊ में पढ़ने के लिए गई थी, और लखनऊ में उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, मतलब उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन होता क्या है, जब अपने गांव में शादियां होती हैं तो 4-5 दिन पहले जाना पड़ता है। तो बस कृतिका के साथ भी वही हुआ। उसके गांव में उसके परिवार में एक शादी थी जिसके लिए उसे अपने गांव जाना था, और वो करीबन 4 दिन पहले अपने गांव पहुंची थी। तो आप लोग जानते हो गांव की शादी कैसे होती है, रिश्तेदार जुड़ते हैं, गांव वाले जुड़ते हैं, परिवार वाले जुड़ते हैं, तो काफी भीड़ भड़क्का होता है गांव में, और गांव में घर भी काफी बड़े बड़े होते हैं। तो कृतिका का घर भी काफी बड़ा था, और काफी बड़ा उसका टेरिस था, जो कि छत थी वो काफी बड़ी थी। तो कृतिका के यहाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कृतिका के यहाँ शादी की पूरी तैयारियां चल रही थी, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। एक दिन कृतिका अपनी फ्रेंड मोहिनी और गौरी के साथ घर के बिल्कुल थोड़ा पास में ही, मतलब 100 मीटर दूर, गांव में होता है ना 100 मीटर दूर ही खेत होते हैं और वहीं पर पेड़ वेड़ होते हैं, तो आम के पेड़ थे और वो कृतिका के ही पेड़ थे, तो काफी सारे पेड़ थे आम के। तो कृतिका, मोहिनी और गौरी, ये तीनों लड़कियां करीबन 2:30 बजे करीब जाती हैं उस पेड़ों के पास और आम बीनने के लिए, क्योंकि कच्चे आम वहां पर गिरे हुए थे और घर पे जरूरत थी जो भी कुछ हो, तो वो अपना आम लेने के लिए वहां जाती है। और दोपहर में ये सारी लड़कियां आपस में बातचीत कर रही होती हैं, आम बीन रही होती हैं, और इन लड़कियों का कन्वर्सेशन उस टाइम चल रहा होता है कि स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड वाली, यही सारी बातें चल रही होती हैं। तो तभी जो आम के उसके पेड़ थे और सबसे लास्ट वाला जो आम का पेड़ था, वहां से एक लड़का उसको झांकते हुए दिखता है, कृतिका को। तो कृतिका एक बार देख लेती है, उसको लगता है हो सकता है शायद कोई देख रहा होगा, बट वो वापस फिर से देखता है, तो कृतिका को फिर भी नॉर्मल लगता है कि हाँ भाई होगा, कोई आम बीनने आया होगा तो वो भी देख रहा होगा। थोड़ी देर बाद वो लड़का सामने, पेड़ के बिल्कुल सामने आकर, मतलब फिर छिपता नहीं है, वो पेड़ के सामने आकर खड़ा हो जाता है, और काफी डिस्टेंस होता है दोनों में, क्योंकि काफी सारे पेड़ थे और वो लास्ट वाला पेड़ था, तो वहां पर वो लड़का खड़ा था और वो इसको देख रहा था। सपोज दैट, जैसे अभी घूर के मैं अगर देखूं किसी चीज को, तो फिर सामने वाले को ऐसा लगेगा ना कि यार कि मतलब ये घूर के देख रहा है, तो ऐसे ही वो लड़का उसी को सिर्फ देख रहा था और किसी लड़की को नहीं देख रहा था। तो ये बात उसने अपनी फ्रेंड गौरी और मोहिनी दोनों को बताया कि देख वो लड़का एक खड़ा है, मेरे को देख रहा है वहां से। वो बोलती हैं कि कोई लड़का वड़का नहीं है, क्योंकि वो लड़का इन दोनों को नहीं दिखता है, वो लड़का सिर्फ कृतिका को दिखता है। तो वो बार बार बोलती है कि यार वो लड़का मेरे को देख रहा है, वो देख सफेद कलर के कपड़े पहने हुए उसने, वो मुझे बार बार देख रहा है। तो ये लड़कियां ये सोचती है, जो गौरी और मोहिनी होती है, ये सोचती है कि अभी हमारा कन्वर्सेशन लड़कों वाला चल रहा था, तो ये मेरे को बेवकूफ बना रही है कि हाँ मतलब तुम्हारा बॉयफ्रेंड। तो इसने भी मजाक कर दिया मोहिनी ने, मोहिनी ने कहा हाँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा, आया होगा मिलने के लिए, तो ये सब उसकी चुटकी वगैरह ले रही थी। लेकिन उसको भी कुछ मतलब ऐसा डाउट रही था, सीरियस नहीं थी, उसको भी लगा हाँ होगा, कोई खड़ा होकर देख रहा होगा। तो करीबन ये लोग आधे घंटे तक वहां पर अपना आम वाम जो भी बीनते हैं, और वो लड़का तब तक वहीं खड़ा रहता है, मोहिनी और गौरी को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कृतिका को वो हर बार दिखाई पड़ता है। तो वहां से ये लोग आम आम बटोर लेते हैं और चले जाते हैं घर को। तो जब ये घर पहुंचते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। अच्छा, अभी तक कृतिका को ये नहीं लगा था कि ये कुछ और चीज थी या कुछ ये डिफरेंट चीज उसके साथ हुई है, बस ये लग रहा था कि हाँ कोई लड़का उसको घूर के देख रहा था, तो उसने ये सब बहुत सारी चीजें नोटिस नहीं करी। और घर पे भी जिसके शादी का माहौल होगा तो यार वो इन सब चीजों में रमा रहेगा। तो कृतिका भी अपने मतलब शादी में लगी हुई थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, शादी वादी की तैयारियां, घर पे वो लड़का कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। अब क्या होता है, अच्छा गांव में क्या होता है ना कि एक ही बाथरूम होता है, ज्यादातर बाथरूम 2-3 होते नहीं है, तो अब इतने सारे भीड़ है, रिश्तेदार हैं, परिवार के लोग हैं, तो बाथरूम जाने में मतलब नहाने धुलने में टाइम लगेगा ना। कुछ लोग आस पड़ोस के लोगों के यहाँ चले जाते थे, लेकिन फिर भी भीड़ तो रहती है, तो वो लेटी रहती थी इसलिए कि जब सब नहा लेंगे तो मैं भी नहाने जाऊंगी। तो 11 बजे करीब ये नहाने जाती है, और नहाने के बाद निकलती है, उसके बाद गांव में कपड़े जो होते हैं छत पे सुखाए जाते हैं, तो ये छत पे जाती है और उन कपड़ों को तार पे सुखा ही रही होती है, तभी इसकी नजर पड़ती है, क्योंकि इसका जो घर होता है ना, घर के पिछली वाली जो साइड होती है वहां से वो सारे खेत होते हैं, और एक जामुन का पेड़ सामने खड़ा होता है। तो ये देखती है कि वो लड़का उस जामुन के पेड़ के नीचे बैठा है, जी हाँ बिल्कुल बैठा है वो, और इसको साफ साफ दिख रहा है, और वो लड़का इसी को देख रहा है, मतलब उस लड़के को जैसे पता होगी ये आने ही वाली है भाई, यहीं पे आएगी, तो कपड़े मतलब सुखाने के लिए आएगी, तो बैठा हुआ है वो।
जब कृतिका की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो इसकी तो हालत टाइट हो जाती कि यार ये तो वही लड़का है जो मुझे वहां पे देख रहा था और यहाँ पर भी देख रहा है। तो मतलब कृतिका कपड़े वपड़े फैला के नीचे पहुंचती है और अपनी मासी को एक कमरे में बुला ले जाती है। अपनी मासी को ये सारी बात बताती है कि मासी मैं जब गई थी आम बीनने के लिए तो वहाँ पे भी वो लड़का मुझे दिखा था और अभी मैं कपड़े फैलाने गई थी तो वो जामुन के पेड़ के नीचे बैठा होगा। तो मासी ने कहा हाँ होगा कोई लड़का भाई तेरे को पसंद करता होगा तो बैठा होगा देख रहा होगा तेरे को टकटकी बांध के और क्या। तो ठीक है तू ज्यादा उसके पास बात मत जाना अपना काम कर तू और ऐसी चीजें कुछ नहीं है तो तू अपने काम में लगी रहे। तो वही था कि मासी ने भी इस चीज को इग्नोर ही कर दिया। अच्छा इग्नोर करने वाली बात भी थी क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो कौन है। उसको तब तक नहीं बताता वो है कौन, उसको बस ये लग रहा था कि कोई लड़का है जो उसे फॉलो कर रहा है क्योंकि वहाँ आम के पेड़ के नीचे भी मिला और उसके बाद फिर वो जामुन के पेड़ के नीचे इसके घर के सामने खड़ा है। तो यार किसी को भी लगेगा ना कि यार कोई लड़का बार बार मेरे को देख रहा है। तो बस यही चीज थी उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं था। अब क्या हुआ कि दिन में हल्दी की रस्म थी तो दिन में हल्दी की रस्म हो गई, शाम को संगीत हो गया। अच्छा संगीत गाँव में थोड़ा लेट नाइट चलता है, 11 बज जाता है करीबन 12 बज जाता है। तो वही 11:30 बजे तक इनका संगीत चला बढ़िया धूमधाम से। सारी औरतें रिश्तेदार परिवार के गांव वाले सब मिलके बढ़िया धूमधाम से संगीत वंगीत करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। रिश्तेदार जो थे वो वहीं रहे। उसके बाद वही करीबन 12 बजे इनका खाना पीना होता है, सारे खाना पीना करते हैं और आधा घंटा बैठ बैठा के थोड़ा हंसी टिटोली करते हैं। ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद सब अपने बिस्तर पर 1 बजे करीबन पहुंच जाते हैं। अच्छा गांव में क्या होता है कि ज्यादातर गर्मियों में छत पर लेटते हैं लोग क्योंकि इतने साधन नहीं होते ना, वहाँ एसी थोड़ा ना होता है, कूलर तो चलो होते हैं लेकिन अब इतने घर वालों के लिए कूलर थोड़ा ना होंगे। तो ज्यादातर लोग छत पर लेटते हैं। तो सब अपने उसका जो छत थी, कृतिका की जो छत थी वो काफी बड़ी छत थी, काफी बड़ा घर था, काफी बड़ी छत थी। तो कृतिका और इसकी फ्रेंड गौरी और जो मोहिनी, ये तीनों ने एक चटाई बिछाई हुई थी और उसी चटाई पर ये तीनों लेटी हुई थी, वहीं पर अपना बिस्तर लगाया हुआ था। आगे थोड़ी दूरी पे इनके चाचा लोग चारपाई लगाकर वो लेटे हुए थे अपना मच्छरदानी वगैरह लगा के। और इधर साइड जो था, लेफ्ट साइड की तरफ जो था, तो यहाँ पे और औरतें जो थी वो लेटी हुई थी और छत की जो दूसरी साइड थी तो वहां पे और सारी जो रिलेटिव वगैरह थे वो वहां लेटे हुए थे। मतलब पूरी छत जो थी वो रिश्तेदारों और घर वालों से भरी हुई थी और सब सो रहे थे। रात का करीबन 1:30 या 2:15 यही बता रही थी कि 1:30 या 2:15 बजा था। तो सभी लोग सो रहे थे और मुझे सपना आता है कि सपने में वो लड़का जो है वो मेरे पास में बैठा हुआ है, बिल्कुल मैं जहाँ लेटी हूँ बिल्कुल जस्ट मेरे पास में बैठा हुआ है। ये मैं सपना देख रही हूँ। तो मेरे सपने में ही जैसे ही मैं आंखें खोलती हूँ, मेरी मतलब आंखें खुलती हैं देखने के लिए, तो मैं जैसे ही आंखें खोलती हूँ तो देखती हूँ कि वो लड़का बिल्कुल मेरे बाजू में बैठा है और सिर्फ मेरे को ही निहार रहा था, बिल्कुल करीब में बिल्कुल बैठा है। उसकी तो हालत खराब हो गई उस टाइम, उसने इतनी तेज चीखा है ना, वहाँ पे वो लड़का उठा फट से वहाँ से चला गया, वो तो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन भाई जो वो चीखी ना, उसके बाद पूरे घर के छत के लोग सब जग गए, आसपास के मोहल्ले सोसाइटी के लोग वो भी खड़े हो गए, वो भी जग गए कि भाई क्या हो गया क्या हो गया। इनके घर में शादी का माहौल था और एकदम से मतलब गाँव वाले भी जो आसपास के होते ना छत पे, जब सब लोग सो रहे होते ना गाँव में, तो सब इकट्ठे हो जाते कि मतलब क्या हो गया क्या हो गया। तो भैया पहले उसको पानी वानी पिलाया जाता है, उसकी हालत ही खराब हो जाती है। पानी वानी पिलाया गया, फिर उससे पूछा गया हुआ क्या, तब उसने वो बात सबको बताई कि वो लड़का मुझे आम के पेड़ के नीचे दिखा था, तब मैंने गौरी और मोहिनी दोनों को बताया बट इन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर उसी लड़के को मैंने आज 11 बजे जब मैं कपड़े फैलाने के लिए छत पे आई थी तब मैंने उस लड़के को देखा, वो सामने वाले जामुन के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब मैंने ये बात मासी को भी बताई थी और तब तक मुझे भी नहीं पता था कि वो कौन है, बट मुझे ये लग रहा था कि कोई लड़का ही होगा। लेकिन मासी ने कहा ठीक है कोई देखता होगा तो तू उधर ज्यादा ध्यान मत देना, बट आज मैंने सपने में वही लड़के को देखा कि वो लड़का मेरे बाजू में बैठा है और वो लड़का जब मैंने आंखें खोली तो सच में मेरे बाजू में बैठा था। उसने बताया कि लिटरली वो मेरे सामने बैठा हुआ था, जब मैं चीखी हूं तब वो यहां से उठ के इधर साइड से नीचे से उतरते हुए चला गया उधर जामुन के पेड़ की तरफ। तो भाई सारे लोग शॉक्ड हो गए यार उस कृतिका को, फिर सारे लोग वहीं पर आसपास बैठ के थोड़ी देर समझाते रहे कि बेटा कुछ नहीं कोई दिक्कत नहीं सुबह अपन सब देख लेंगे। उसके बाद सभी लोग बैठ के उसके बाद सभी लोग मिलकर वहीं पर सब सोते हैं। कृतिका का ध्यान रखते हैं कि भाई बहुत डरी होती है, एक्चुअली वो बहुत डरी होती है बहुत ज़्यादा, जैसे बता रही थी ना कल रात को जब वो स्टोरी, तो भाई मुझे भी बहुत डर लग रहा था क्योंकि रात को सुन रहा था तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था। तो उसके बाद कृतिका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कृतिका को फीवर आ गया, कृतिका की मेडिसिन वगैरह की सब रात में जुगाड़ करी गई तो उसको मेडिसिन वगैरह खिलाया गया। अब क्या होता है, अब सारे लोग रात में वापस सो जाते हैं और सुबह जब उठते हैं तो इस बात का डिस्कशन कृतिका के घर में, कृतिका के मोहल्ले में, कृतिका के गांव में, हर जगह पर यह डिस्कशन चल रहा होता है।
फिर पता किया जाता है, मतलब उसका हुलिया पूछते हैं क्या था, कैसे दिख रहा था, बताया उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उसकी ये हाइट थी, वो ऐसे ऐसे दिखने में लग रहा था। तो ये बात जब पूरे गांव में फैल गई तो गांव वालों की कुछ लोगों को पता था कि पास वाले गांव में एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें वो एक्सपायर कर गया था, और वो लड़का उस गांव में भी कई लोगों को दिखाई पड़ता है, जैसे कि इसने हुलिया बताया सेम यही हुलिया का उस गांव में भी लोगों को दिखाई पड़ता है। तो भाई इसके जो चाचा वाचा थे और गांव वाले दो चार लोग मिलके, तो वो जो पास वाला जो गांव था जिनका वो लड़का था जो एक्सपायर कर गया था, उनके घर जाते, उनको बताते कि आपकी बेटी की आत्मा भटक रही है, आप उसके लिए कुछ करिए। तो वो लोग उसी दिन अपने बेटे के लिए एक हवन करवाते हैं ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले, उसकी आत्मा की शांति के लिए वो लोग हवन वगैरह करवाते हैं। और इधर कृतिका के घर में क्या होता है कि कृतिका को भी फीवर आ रहा होता है क्योंकि मेडिसिन से वो गया नहीं होता है, तो इसका भी इलाज चल रहा होता है। और दूसरी चीज़, इसके भी घर पर शाम को हवन की पूरी तैयारियाँ हो रही होती हैं, फिर इसके घर में भी पूरी हवन वगैरह ये सारा किया जाता है। अगले दिन से फिर सारी चीज़ें, मतलब कृतिका के अंदर तो वो डर था ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब नॉर्मल, क्योंकि घर में यार शादी का माहौल था, दो दिन बाद शादी थी, तो उसके बाद अच्छे अच्छे से शादी हो गई। और उसके बाद वो लड़का किसी को भी नहीं दिखाई पड़ा, उसके बाद किसी के ऊपर नहीं दिखाई पड़ा। अभी भी मैंने जब उससे कल रात को पूछा था क्या उसके बाद, मतलब शादी हो गई तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन क्या अभी उसके बाद गाँव में तुम्हारी बात होती है तो क्या किसी को दिखाई पड़ा है, तो उसने बताया नहीं, अब वो गांव में किसी को भी नहीं दिखाई पड़ता, ना पास वाला जो गांव था जहां का रहने वाला था वो लड़का, वहां पे भी वो किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये है कि मतलब भगवान की दया से उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। तो यही चीज़, यही कृतिका की कहानी थी भैया, कि वो गांव गई तो उसके साथ कैसा क्या हुआ था। तो फिलहाल कृतिका ने जब सुनाई थी तो उसका तो अभी जब उसने कल रात सुनाया था तो फिर लग भी रहा था भाई उसकी बातों से डर, जिस तरीके से वो सुना रही थी। मैं शायद उतना बेहतर तरीके से तो नहीं सुना पाया हूँ क्योंकि मैं थोड़ा फनी अंदाज में आपको सुनाना चाहता हूँ, मैं डराना नहीं चाहता हूँ। बाकी आपको भूतों से अगर डर लगता है तो भैया हनुमान जी का नाम लो, सारे भूत भाग जाएंगे। तो आप बताओ मुझे ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और आपके पास अगर ऐसी कोई स्टोरी है, ऐसी कोई कहानी है, हॉन्टेड, हॉरर, क्रिपी, कैसी भी, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करिए, मैं डेफिनेटली उस कहानी को आप तक शेयर करूंगा। फिलहाल अगर आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलता हूँ एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, और बजरंगबली का नाम लो, भूत भूत सारे भाग जाएंगे।